आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? ये तो एक सुनसान जगह है, हमें ऐसी जगह के पर क्यों बुलाया है? एक ही सवाल हर बार पूछोगे क्या? सही कहा, ये हर बार एक ही सवाल पूछता है। तुम सब लोग चुप रहो नहीं तो मैं काट दूंगा तुम्हें। तू हमें काटेगा? काट के तो दिखा, हम सब है यहाँ पे। तुम सब का लड़के हो गया तो आप बातें करे। हम लोग स्केबिडी बी टॉयलेट्स कितने दिनों से शहर के ऊपर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आ चुका हूँ, अब तुम्हारा नया जी मैं, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारा अगला प्लान क्या होगा। नए जी मैन की जय हो, आप हो प्लेन ऑफ हेड्स की बीडी, यानी पूरे प्लेन्स के मेन बॉस। आप हो प्लेन हेड्स की बीडी टॉयलेट। अपने बॉस की कितनी चाटेगा, मैं तेरे को काट दूंगा। तू बहुत बोल रहा है, मैं बताओ तुझे मैं क्या कर सकता हूँ। खामोश तुम सब लोग, एक चीज मुझे बताओ। तुम सब लोग जी मैन बने थे लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। वो एक पित्तू सा फ्रैंकलिन तुम्हें हर बार हराता है। बोलो तो तुम्हारा विलन कौन हुआ? एवेंजर्स या हीरोस या वो टीवी मैन, कैमरा मैन या स्पीकर मैन, ऐसे नमूने? ये तो हमने सोचा ही नहीं, हमारा मेन दुश्मन तो फ्रैंकलिन हुआ। सही कहा। अरे हाँ, मैं तो ये भूल गया था, फ्रैंकलिन तो हमें हराता है। ये तो मेरे साथ भी हुआ है, उसने मुझे भी हराया है। तो मेरी बात सुनो, आज हमारा मिशन है फ्रैंकलिन रोको, हमें उसे टारगेट करना है। तुम रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। फ्रैंकलिन अब तुम मुझे रोक के दिखाओ। प्लेन हेड्स के बड़ी टॉयलेट में आ रहा हूँ मैं अपने सेना के साथ। ओ वाओ, मजा आ रहा है यहाँ पे विदाउट हेलमेट बाइक चलाने में। लेकिन यार मैं विदाउट हेलमेट बाइक चलाता नहीं हूँ, आप भी कभी चलाना मत, ठीक है? थोड़ा सा अनसेफ होता है और रूल्स के खिलाफ भी है, लेकिन भाई हवा खा के मजा आ गया। मैं यहीं पे गया था यार छोटी सी खरीदी करने के लिए, लेकिन यार ज्यादा दुकानें नहीं थी और सारी दुकानें बंद थी, और आज का दिन भी बहुत सुहाना है। पता नहीं आज मैं इतना खुश क्यों हूँ, ऐसा लग रहा है आज तो भाई छुट्टी का मौसम है, दिवाली चल रही है, 5 दिन की छुट्टी ली है मैंने ऑफिस से, तो कोई काम नहीं है। जॉब के बच्चे कैसा है ब्रो? कुरियर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपने मेरे लिए खाना नहीं लाया। अरे मैं उसी लिए गया था, लेकिन सारी की सारी दुकानें बंद थी। और ये क्या झूठ बोल रहे हो, काटू मैं आपको? आज दिवाली है, दिवाली के दिन कुछ भी नहीं लाया। ठीक है ठीक है, चॉप भाई ये तो रूट गया यार, चॉप के बच्चे। नहीं मैं आपसे नहीं बात करूंगा। ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज हक दिया यहाँ पे चॉप। ची 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 मैं जा रहा हूँ यार, मेरे से बात मत कर। अरे सॉरी, आगे क्या बोल रहे थे? ओके मैं अपना काम करके बात कर लूंगा फ्रैंकलिन भैया से। क्या मौसम है, शिनचान भी गया है स्कूल। आज उसका स्कूल तो है नहीं है, लेकिन स्कूल के अंदर यार छोटे छोटे बच्चों ने प्लान बनाया है क्रैकर जलाने का। अरे यार मुझे भी क्रैकर चाहिए। तेरी गंदगी हो गई? हो गई। अब क्या बोल रहे थे, रात में क्या लाओगे? मैं रात में लाने वाला हूँ $10,000 के क्रैकर्स और $5,000 की मिठाई। दिवाली तो रात में ही मनाने में अच्छी लगती है चौप, तो थोड़ा सबर करेगा? मैंने मंगवा तो ली है। ठीक है वो कभी भी आ जाएगी, घर पे ही रहना। मैं तो घर से हिलने नहीं वाला अभी, मैं तो यहीं पे रहूंगा। हाँ घर में जैसे ही कोई पोस्टर और क्रैकर्स मिठाई लेके आएगा ना कोई पोस्टमैन या डिलीवरी बॉय, तो उसको जाने मत देना, मैं तो उसका बम पकड़ लूंगा। ऐसा मत करना, मैं आराम से रहूंगा। और शिनचान भी आएगा ना तो उसको भी बता देना आज हम लोग दिवाली मनाने वाले। आप सब लोगों को गाइस हैप्पी दिवाली। वैसे भी यार 4-5 दिन तो क्रैकर्स ही क्रैकर्स फोड़ेंगे हम लोग। हो आज मजा आएगा। आज चौप बहुत मस्ती कर ली, बहुत बकबक कर ली, थोड़ी देर आराम करते हैं। फ्रैंकलिन 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 कहाँ पे हो? फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो फ्रैंकलिन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। चौप ऐसे बात क्यों कर रहा है यार? मैं नहीं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? कैमरामैन। नहीं आज मैं कोई काम नहीं करने वाला, तू मुझे को कुछ भी बोल, दुनिया फट जाए या पूरा का पूरा लॉस एंटोस मर जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आज मैं फ्रैंकलिन बस आराम करने वाला हूँ। ठीक है चलो मैं चलता हूँ। फ्रैंकलिन गड़बड़ तुम्हारे साथ है। क्या कहा? मेरे साथ गड़बड़ है? मतलब? शहर में कोई खतरा नहीं आया है, ना तो कोई बवाल मचा हुआ है। खतरा इस बात का है, हमारे स्कीबीडीबी टॉयलेट्स और स्पीकर मैन ने दोनों ने एक फाइट की थी, उसके बीच में हम सबको एक इन्फॉर्मेशन मिली है। ऐसा लग रहा है कोई नया जी मैन आया है। मैं नहीं जाने वाला उसे मारने के लिए, तुम चले जाना। आज दिवाली है वैसे भी, और 2-3 दिन में क्रैकर्स ही फोड़ने वाला हूँ। इतने क्रैकर्स फोड़ूंगा। तुम्हें फोड़ना है फोड़ो, लेकिन मेरी बात तो सुनो, वो जी मैन आ रहा है, उसका निशाना कौन है पता है? और क्या तुम लोग हो गए, तुम्हें ही तो मारने आता है वो, नहीं तो शहर के लोगों को। मेरे को क्या करना है, मैं तो नहीं आज हिलने वाला
आज घर से कुछ भी कर ले। उनका निशाना है फ्रैंकलिन नाम का इंसान। हाँ होगा कोई फ्रैंकलिन नाम का इंसान। फ्रैंकलिन नाम का इंसान, अरे ये तो मैं हूँ। वही तो बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उन लोगों ने अब तुम्हें निशाना बनाया है, अब वो तुम्हें मारने आ रहे हैं। अब मैं चला यहाँ से। वैसे भी तुम हमारी हेल्प करने के लिए बहुत नखरे दिखाते हो, अब हम नखरे दिखाएंगे। अब मरो, तुम्हें पता चलेगा हम इसके बीडीबी टॉयलेट्स मारने आते हैं तब कैसे लगता है, शहर के लोगों को मारने आते तब कैसे लगता है। बहुत नखरे करता है हमारी हेल्प के लिए। कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। अरे तुम यहाँ पे कब आ गए? टेलीपोर्टेशन की रिंजा टेक्निक, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, माफी मांगता हूँ, चाहे तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज। ऐसी हरकतें करोगे तो मैं हेल्प नहीं करूंगा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आगे से तुम जब भी मेरी हेल्प मांगोगे मैं बिना आर्गुमेंट बिना ईगो दिखाए करूंगा, प्लीज। वो मुझे खत्म करने आया है, मुझे अगले साल की भी दिवाली मनानी है, इस साल की भी दिवाली मनानी, प्लीज कुछ तो करो। इसीलिए तो मैं आया हूँ फ्रैंकलिन, लेकिन थोड़ा मसाला मार दिया। कोई बात नहीं, चलो हेल्प करता हूँ। हमारे पास अभी तो कोई सूट नहीं था, लेकिन हमारे इनोवेटर ने एक इनोवेट किया है सूट, मैं वो तुम्हें दे रहा हूँ, ये लो। ओ, ये तो बहुत ऑसम सूट है, और एक ड्रिल मैन तुमने मुझे बना दिया। हाँ, इसे बनाया गया था क्लॉक मैन के बाद उसके बीडीबी टेलर्स को खत्म करने के लिए। इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। कोई बात नहीं, मैं टेस्ट करवा लूंगा। अब जा रहे हो, लेकिन अगर डिलीवरी बॉय आया तो उसके 15,000 और $20,000 कौन देगा? अरे ये है ना कैमरा मैन अंकल, वो पे कर देंगे। आज मेरा जीने का दिन है तो मैं जी रहा हूँ। चलो 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 गाइस, निकलते हैं यहाँ से। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? हमारे पैसे पे कर दोगे ना, नहीं तो मैं आपका बम काट दूंगा, कैमरा नोच दूंगा। मुझे आज क्रैकर चाहिए, मतलब चाहिए। $20,000 मेरी जेब खाली होने वाली है। चलो हैप्पी दिवाली गाइस आप सबको, इसकी दिवाली भी हम लोग मनाते हैं, इसको क्रैकर्स दे देंगे। लेकिन ये अंकल तभी क्रैकर्स देंगे आप जब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और हाँ, दिवाली में आपने कौन कौन से क्रैकर्स फोड़े मुझे कमेंट करना क्रैकर्स के नाम, मुझे वो खरीदने हैं। कैमरा मैन जल्दी बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट में बोलने के लिए बोलो क्रैकर्स के नेम। गाइस क्रैकर्स के नाम बोल दो, 20,000 का चूना तो लग गया, ये फ्रैंकलिन ने मुझे कहाँ फंसवा दिया। चलो अब तो मेरे $20,000 बच भी गए, और चौप की मुसीबत उसके गले में डाल के मजा आ गया। पहली बार मुझे मजा आ रहा है। लेकिन भाई मुझे बच के रहना पड़ेगा, कभी भी इसकी बीडी पे टॉयलेट्स मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये देखो, ये है हमारा ड्रिल मैन का ऑनलाइन स्टोर, यहाँ से हम लोग पैसे अपग्रेड करके सूट को बाय कर सकते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो चलो कुछ ना कुछ इसे काम करते जिससे पैसे कमा सके, लेट्स गो। वैसे मेरी बाइक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो एक बार ये ट्रैफिक निकल जाए तो हम लोग फटाक से निकल जाएंगे कुछ पैसे कमाने के लिए। लेकिन वेट अ सेकेंड, दूर दूर तक इतनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी है यहाँ पे? अरे आगे चलो आगे चलो, अरे आगे चलो, अरे आगे चलो, ये क्या कर रहे हो? अरे आगे जगना, आगे जाम लगा हुआ है। लेकिन ये किस चीज का जाम है? अरे ये लोग बहुत शोर करा रहे। अरे यार इतनी सारी ट्रैफिक की आवाज, शिट शिट शिट, ये ट्रैफिक की आवाज से मुझे इरिटेट हो रहा है। अब क्या करूँ अब क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ से डिवाइडर से लेके चलता हूँ, देखता हूँ आगे क्या हो रहा है। ओ भाई इसकी तो गाड़ी क्रैक हो रही। ओ शिट 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 शिट, ये आवाज बहुत तेज कर रहे हैं यार। भाई आवाज मत करो, मैं देख रहा हूँ। ठीक है गाड़ी यहीं पे पार्क करता हूँ, 2 मिनट के लिए इनके ऊपर चढ़ता हूँ। सब लोग मेरी बात सुनो, मैं देखने जा रहा हूँ क्या हुआ है, आप अपनी आवाज कम करो। ठीक है गाइस, आवाज रुक गई। चलो अब आगे जाके देखना होगा कि हुआ क्या है। लेकिन इनके बीच से जाना बहुत मुश्किल है, गाड़ी इन लोगों ने एक के ऊपर एक चढ़ा के रखी है। ऑलराइट क्या हुआ है, लगता है यहीं पे आगे कहीं पे तो ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन किस चीज की वजह से ट्रैफिक जाम है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो 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 गाइस, यहाँ पे तो इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, समझ में नहीं आ रहा है किस चीज की वजह से हुई इतनी ट्रैफिक, इतनी दूर तक जाम है। चलो 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 मैं पहुंच गया। वेट अ सेकंड, ये बस यहाँ पे आड़ी क्यों लगी हुई है? हेलो क्या हो गया अंकल, आप यहाँ पे ऐसे फंसे कैसे हो? तुम्हारी वजह से गाड़ी ट्रैफिक जाम हो रही है, ड्राइवर निकालो गाड़ी यहाँ से। अरे बेटा मैं यहाँ पे निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये देखो ना स्टीयरिंग घूम ही नहीं रहा, लगता है कोई नट निकला हुआ है, और अब मैं नीचे नहीं उतर सकता, सारे दरवाजे पैक हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, तुमसे कुछ हो सके तो देखो। क्या कहा, नट लूज हो गया है? अरे बाप रे बाप, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे। इस तरफ का टायर तो सही है, आगे का टायर भी घूम रहा है, लेकिन नट किस चीज का निकला है जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ी आगे नहीं जा रही है? वेट अ सेकंड, यहाँ पे तो कुछ नट बोल्ट्स गिरे हुई है, ये तो इस टायर के नट बोल्ट है। कोई बात नहीं, मैं अभी मैकेनिकल को कॉल करता हूँ। अरे मैं मैकेनिकल को कॉल क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास ड्रिल है ना, मैं ड्रिल से इसको टाइट कर सकता हूँ। ओके ये उठाई नट बोल्ट, ये चालू की मैंने अपनी ड्रिल। अरे ड्रिल की आवाज कितनी घटिया है। ऑलराइट चलो, हाँ
हो गया, चलो अब देखते हैं। हेलो अंकल, हो गया है। अरे बेटा शुक्रिया, ये लो तुम्हारा इनाम $10,000। क्या कहा, $10,000? ऑलराइट। ओहो, गाड़ी निकल गई, चलो अब ट्रैफिक निकल जाएगी। अंकल जी मिलते हैं। ओके बेटा, मिलते हैं बाद में, शुक्रिया हेल्प के लिए। चलो गाइस अब ट्रैफिक निकल जाएगी। ऑलराइट, जब तक ट्रैफिक निकल रही है हम एक काम करते हैं, हमारे पास $10,000 आ गए। ये खुला मैंने ड्रिल मैन का ऑनलाइन स्टोर और 10,000 का सूट परचेज। ऑसम, इसकी ड्रिल देखो ऊपर की साइड है और पूरा का पूरा मैं ड्रिल मैन बन गया हूँ। ये कितना प्यारा पपी है। वो छोड़ो, मेरे हाथ में कितनी सारी ड्रिल है। चलो चलो चलो, ट्रैफिक निकल रही है। अरे भाई ट्रैफिक तो निकल गई और मेरी गाड़ी किसी ने तो चुरा ली यार, मैं उसको बाद में देख लूंगा। पक्का गाइस आज का नसीब मेरा बहुत फूटा हुआ है, मेरी प्यारी सुपर बाइक भी चुरा ली किसी ने। कोई बात नहीं, मैं बाद में ढूंढ लूंगा, अभी तो मुझे स्किबिडी भी टॉयलेट से बचना है। आराम आराम से चलता हूँ, यहाँ पे तो नहीं है ना टॉयलेट। कोई बात नहीं, यहाँ से निकल लेता हूँ। चलो चलो, ऐसी सुनसान जगह से जाएंगे ना तो वो टॉयलेट हमें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। चलो चलो चलो, यहाँ से निकलते हैं। अरे अंकल सॉरी, गलती से मैं आ गया, चलो यहाँ से चलता हूँ। वेट 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 वेट, यहाँ पे कुछ तो पड़ा हुआ है, ये तो एक पोस्टर है। क्या लिखा है, एक रैम चैलेंज होने वाला है जिसका प्राइस पूल $50,000 है। इससे तो मैं बहुत कुछ अपग्रेड कर सकता हूँ। चलो 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 चलो, उसके लिए मुझे गाड़ी चाहिए होगी। अंकल जी मैं आपकी गाड़ी ले रहा हूँ, आपको ये गाड़ी मैं वापस नहीं देने वाला। चलो चलो चलो, चलते है, लेट्स गो। यहाँ से बहुत दूर नहीं है रैम चैलेंज, लाइट मारूंगा तो आ जाएगा। चलो 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 गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। हेलो अंकल, मुझे रैम चैलेंज करना है $50,000 वाला। मैं आ गया हूँ, नाम है ड्रिल मैन। बेटा तुम्हारा नाम पहले से ही रजिस्टर्ड है। क्या कहा, पहले से रजिस्टर है, लेकिन किसने किया? वो तुम्हारा अपोनेंट है ना, उसने किया। मेरा अपोनेंट कौन है? नहीं तुम यहाँ पे। सही कहा फ्रैंकलिन, अब ये रैम चैलेंज के बाद तू जीते या हारे, लेकिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। शुरू करो रैम चैलेंज। अरे भाई भाई ये तो चला गया, बाप रे बाप, रुक जा इसकी बीडी भी। डॉक्टर तुझे तो मैं छोड़ने नहीं वाला। गाइस इसी ने ये रैम चैलेंज क्रिएट किया है और उसको पैसे खिलाए होंगे और ये मुझे मारना चाहता है। ठीक है ठीक है, अब तुझे पता चलेगा ये जीतने के बाद कौन किसको मारता है। ऐसी बातें देखा जाएगा। तू गोल गोल घूम किया, मैं आराम से ऐसे जाऊंगा। इसे कहता है ट्रिक ब्रो। तुमने चीटिंग की, अब तक मैं क्या करता हूँ। गाइस ये पीछे तो नहीं दिख रहा है, कहाँ पे हो सकता है? अबे नमूने आगे तक आगे। अरे बाप रे बाप, गाइस हमें हारना नहीं है, नहीं तो ये हमें खत्म कर देगा। लेकिन ये वैसे भी हमें खत्म करने वाला है। जल्दी से जल्दी पैसे कमाता हूँ और सूट अपग्रेड कर देंगे। तू तो गया, मत देखा जाएगा बेवकूफ। आउच आउच आउच, बाप रे बाप, बहुत आगे आ गया हूँ। ओए ये तो पूरा हेलीकॉप्टर लेके आ गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ से भी हम लोग निकल सकते हैं। यहाँ पे गाइस बहुत दिक्कत हो रही है। वेट, ये क्या, ये मेरे आगे कैसे आ गया? नमूने तेरे को क्या लगता है, तो डॉक्टर को हरा सकता है? इसके बीडीबी टॉयलेट ने तुम्हें मारने का ठान लिया है। अबे पागल वागल हो गया क्या, तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। गाइस क्या बोलते हो, एक प्रो ड्राइवर हूँ मैं, प्रो ड्रिफ्टर भी हूँ और प्रो स्टंटर भी हूँ, समझ में आ रहा है? नहीं नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं, ऑलराइट ऑलराइट यार, हम लोग जीतने वाले हैं। चलो चलो, ये क्या, ये मेरे आगे कैसे चला गया? भाई ये चीटिंग कर रहा है गाइस, पक्का चीटिंग कर रहा है, हम लोगों को फटाफट निकलना होगा। ऐसे भी तू हारेगा और ऐसे भी तू मार जाएगा, समझा तू? ऑल राइट गाइस, इन्होंने मुझे ठान लिया है ना, लेकिन इनको मैं बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। हट बेवकूफ नमूने। अरे हटना गाइस, ये आगे जा रहा है। कोई बात नहीं, आराम से हम लोग भी निकलेंगे। चलो 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 चलो। और गाइस आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को, अभी के अभी कर दो, क्योंकि हमें हारना नहीं है। आप लाइक और सब्सक्राइब करो क्योंकि हमारे जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ये क्या चीज है, वो तो बहुत आगे निकल गया। चलो चलते है, पहुँच गया। नमूने तू मुझे कभी नहीं हरा सकता। एक बार तो तूने मुझे बहुत कह दिया, अब नमूना नमूना बोल रहा है ना ऊपर से, अब तू मरेगा। स्किबिडीबी डॉक्टर देख, तेरे को मैंने ओवरटेक कर दिया। चलो गाइस ये वाला स्टेप कंप्लीट करते हैं और इसके बाद आई होप हम लोग जीत जाएंगे। और हो भी वही रहा है, स्किबिडीबी डॉक्टर मैं ड्रिल मैन, मैं तुझे हरा के रहूंगा। आउच आउच आउच, चलो चलो चलो, आराम से आराम से, ये आखिरी स्टैम्प है, लेट्स गो। आउच आउच, बाप रे बाप, इतने में क्या जल्दी है, कितना आगे जाएगा? आ रहा हूँ मैं, देखो भाई आ गया। आउच आउच आउच, जल्दी 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 गाइस, ये आखिरी रैंप चैलेंज है, इसके बाद हम लोग इसको मार देंगे। मैं अपनी ड्रिल स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ ये देखो ड्रिल स्टार्ट हो गई, आवाज देखिए अपनी ड्रिल की, भाई खतरनाक ड्रिल की आवाज है।
देख डॉक्टर, तू हारने वाला है। गाइस इन्होंने मुझे टारगेट किया है, मैं इनको खत्म कर दूंगा। हल्क बीच में क्या कर रहा है नमूने? हल्क को बुलाया है चीयर गर्ल करने के लिए। अबे बेवकूफ, निकल यहाँ से, चीयर गर्ल करेगा। ओहो फिनिश, अरे यार इसने मुझे हरा दिया। अब मेरे अकाउंट में गाइस $50,000 भी आ गए है। तो 3, 2, 1 ये खोला शॉप और अपग्रेड। ऐसी बात है, अब तूने मुझे हराया है, अब मैं तुझे खत्म करूंगा। कौन किसको खत्म करेगा वो तो देखा जाएगा। ये देख, मैं हूँ एक अपग्रेडेड ड्रिल मैन। ये ले ड्रिल पंच। अरे उड़ा दिया, बाप रे बाप, इसने मुझे हरा दिया। नहीं चलो गाइस अब यहाँ से चलते, उड़ के जा रहे हैं। पहले को तो मैंने निपटा दिया, अब हमें ध्यान से रखना होगा अपना ध्यान, नहीं तो हम लोगों को ये खत्म कर देंगे। चलो चलते हैं। अच्छा हुआ हम लोगों ने उसको देख लिया और उसको हरा दिया, अगर हम लोगों को डॉक्टर ने मार दिया होता तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती। अब ये कॉल किसका आ रहा है यार? फ्रैंकलिन भैया, हम लोगों ने क्रैकर्स ले लिए। चौप, ये बात बताने के लिए कॉल किया है? नहीं, मैंने आपके लिए ये बात बताने के लिए कॉल किया कि क्राइम चैलेंज होने वाला है। अरे वो तो हो गया ना, अब कितनी बार करूंगा। अरे यार सॉरी, वो नहीं, अरे वो एक रिंग फाइट होने वाली है जिसका प्राइस पूल $1,00,000 है। हाँ तो ऐसा कुछ नया बताया करना, अभी मैं खेल के आया हूँ रैम चैलेंज, पूरा नई चीज क्यों बताता है? अरे माफ कर देना, और आपके $20,000 बच गए। क्या कहा, मेरे $20,000 बच गए गाइस, जिसके बाद एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। अरे हाँ, और क्रैकर्स के नाम नहीं बताए आपने। क्या तुझे क्रैकर्स के नाम चाहिए? गाइस जल्दी जल्दी बोलो चॉप को कौन कौन से क्रैकर्स लेने चाहिए, तब तक हम लोग एक बाइसिकल चुराते है और निकलते है एक रिंग फाइट करने के लिए। मुझे नहीं पता ये रिंग फाइट क्या होता है, मैंने WWE फाइटिंग तो सुनी है, बॉक्सिंग फाइटिंग भी सुनी है, ये रिंग फाइटिंग क्या होती है, ये लगता है कुछ नया है। चलो चल के देखते हैं, उससे लिए हमें बहुत तेजी से साइकिल चलानी होगी। लेट्स गो। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं गाइस, ये देखो ये रहा वो रिंग बॉक्सिंग। ओ माय गॉड, लेकिन ये क्या चीज है यार, लगता है बड़ा स्टेडियम है। चलो अंदर चल के देखते है। चलो मैं आ गया हूँ, नया कंटेस्टेंट, नाम है ड्रिल मैन। ओ कितनी सारी ऑडियंस है यहाँ पे, क्या चिल्ला रही है? लेकिन ये मेरे लिए नहीं चिल्ला रही है, ये कौन है सामने? मैं हूँ स्किबिडी बी निंजा, ये सब मेरे लिए चिल्ला रहे हैं। और एक बात बताओ फ्रैंकलिन, ये टूर्नामेंट बस खास तुम्हारे लिए किया गया है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने ही दी थी, ये रिंग मेरी है। वेट अ सेकंड, ऊपर से मुझे कुछ दिखा? नहीं, ये कोई स्टेडियम नहीं है, ये सारे के सारे मिसाइल है। सही कहा, ये सारे के सारे मिसाइल बॉम्ब है, और उड़ने वाले नहीं फ्रैंकलिन, फटने वाले। अब यहाँ पे तू जीते या हारे, अगर तुमने मुझे हराया तो ही ये मिसाइल फटने से रुक जाएगी, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो ये यहाँ पे फट जाएगी। मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो निंजा की तरह भाग जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आई हुई इतनी मासूम ऑडियंस बूम फट जाएंगी। शिट गाइस, मुझे लगा ही था चॉप को ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है, इसने उसको सेंड किया होगा रैम चैलेंज और रिंग चैलेंज का मैसेज। रैम चैलेंज का तो मैंने ही ढूंढ लिया था, इसीलिए उसने मुझे कॉल नहीं किया, नहीं तो चॉप का 2 बार कॉल आता। कोई बात नहीं, इसने ऐसा किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आ जा। और टाइम लिमिट भी है, शुरू हो गई, 3 मिनट की टाइम लिमिट है। लगता है अब मुझे अपनी पावर यूज करनी होगी। सारे के सारे ड्रिल्स मैंने बाहर निकाल दिए, अब आ जा बेवकूफ। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें ऐसी हरकत करके मुझसे बच सकते हो? मैं तुझे जरूर हराऊंगा। ये ले, ये कहा, ये क्या हो रहा है, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? मैं हूँ मतलब हूँ, आउच, ये तो मुझे आसमान में मार रहा है, तो मैं भी तुझे आसमान में मारूंगा। कोई बात नहीं, मैं भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ, समझा? आउच, शिट, ये मेरे ऊपर हमला कर रहा है या मुझे आसमान में ढकेल रहा है? कोई बात नहीं, मैं तुझे आज छोड़ने नहीं वाला। ये ले। ओ गाइस, मेरी ड्रिल की हेल्प की मदद से मेरी स्पीड देखो, ये तो मुझे पकड़ ही नहीं पाया। ये क्या हो रहा है, मैं निंजा हूँ या तुम? तुम निंजा तो हो लेकिन कभी उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। ये ले, भाई 3 मिनट के अंदर तो इसका खात्मा मैं पक्का कर दूंगा। ये ले अल्टीमेट ड्रिल, ये क्या हो रहा है? नहीं, आई थिंक ये खत्म हो गया, बच गया गाइस, नहीं तो मुझे लगा था मैं पक्का मर जाऊंगा। आई होप ये सारे के सारे मिसाइल डीएक्टिवेट हो जाए। वो देखो गाइस, वहाँ पे एक बटन है, पूरा रेड से ग्रीन हो गया, बच गया। और इसको मारने के मुझे मिले भी है पैसे $1,00,000। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम सबके सामने ये खोला मैंने ऑनलाइन स्टोर और $1,00,000 का सूट परचेज। वेट अ सेकंड, ये क्या बन गया? अरे बाप रे बाप, ये क्या बना दिया यार, मुझे इतने सारे ड्रिल मेरे पास आ गए। ऑलराइट चलो अब यहाँ से चलते हैं। भाई तू यहाँ पे मर नमूने, मेरे को पॉइंट करने आया था, खुद ही पॉइंट हो गया। गाइस मुझे
चीज का डर लग रहा है। यहाँ के लोग मुझे देख के डरने तो नहीं चाहिए। हेलो अंकल, क्या हाल चाल? अरे बच्चे कैसे हो, कॉफी पिएगा? क्या बच्चा, इन लोगों को लग रहा है मैंने कॉस्ट्यूम पहना है? कोई बात नहीं, अच्छा है, नहीं तो यार ये लोग डर से मारे मेरे से बहुत दूर चले जाते। अब कहाँ पे चले पैसे कमाने के लिए? खास कर तो ये केबीडीबी टॉयलेट मुझे निशाना बना के मुझे मारने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन पैसा खुद ही दे रहे हैं। चलो चलते अभी यहाँ से। अब यार ये किसका कॉल आ रहा है? कैमरामैन, अब क्या हो गया? फ्रैंकलिन, एक गड़बड़ हो गई है। अब क्या गड़बड़ हो गई यार? फ्रैंकलिन, शिनचैन अभी तक स्कूल नहीं आया है और ऐसा पता चला है कि एक छोटे बच्चे को किडनैप किया गया है एक टॉयलेट के द्वारा, और वो स्कूल में बिल्डिंग के ऊपर से उसे फेंकने वाला है। क्या कहा, बिल्डिंग? कहाँ की बिल्डिंग? वो नॉर्थ साइड पे जो स्कूल है ना, वो वाली। अबे नॉर्थ साइड पे पूरे नॉर्थ में एक ही स्कूल है और वो भी शिनचैन का? अबे उसे ही पकड़ा होगा। ट्रक कॉल, मैं जा रहा हूँ। जल्दी 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 जल्दी, ये वाली गाड़ी किसकी है? अबे इसके पीटीपी टॉयलेट्स अबे मेरे दोस्तों को निशाना बना रहे हैं। मेरे को तो पॉइंट कर रहे थे, लेकिन उससे मुझे मारा नहीं जा रहा ना, तो अब ये मेरे दोस्तों को पकड़ रहे। कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ शिनचैन। ज्यादा दूर स्कूल नहीं है, यहाँ से आगे जाने के बाद दाएं मारेंगे तो आ जाएगा स्कूल। चलो फटाफट चलते हैं, लेट्स गो। अरे ऑफिसर, उस बच्चे को बचाओ प्लीज। लेट उसको बचाओ, अगर वो नीचे गिर जाएगा तो मेरे स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। तुम्हें स्कूल के पढ़िए नमूने प्रिंसिपल। तुम ऐसे बात कर रहे हो? तुम सब लोग शांत हो जाओ, अकल है तुम लोगों को? क्या हो रहा है तुम्हारे स्कूल के अंदर? ये कैसे आ घुस गया तुम्हारा स्टूडेंट, उठा के भाग गया? हेलो, मेरी बात सुनो, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन तुम्हें उस बच्चे को छोड़ना होगा। अरे प्लीज ऑफिसर, मुझे बचाओ, मुझे मरना नहीं है, आज तो दिवाली है, मुझे फटाके फोड़ने के लिए जाना है। ये बच्चा अब नीचे गिरेगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसको बस टकेलना है। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है वो तो बता दे। अरे यार ये तो मेरी बात नहीं सुन रहा। ऑफिसर्स अब क्या करें? सर अब हमें नहीं पता क्या करें, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे तो हमारी नाक कट जाएगी, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हैं, ये क्या सोचेंगे हमारी पुलिस बहुत कमजोर है? अरे वो तो रहेगी ना कमजोर, क्योंकि वो उसके बीडीबी टॉयलेट, उसके पास ताकत है, पावर है। तुम लोग इंसान हो? अरे हटो 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 हटो, अरे हट जाओ हट जाओ। ऑफिसर ऑफिसर मेरी बात सुनो। अब तुम कौन हो, बहुत घटिया दिख रहे हो। अरे मैं उस बच्चे का दोस्त हूँ, वो दोस्त मेरा है, मुझे तकलीफ देने के लिए उसको गिरा रहा है। ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? मुझे नहीं पता, मैं एक ड्रिल मैन हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर स्पाइडरमैन होता तो चढ़ के उसको उठा लेता। अरे मेरे दिमाग की बत्ती चली, तुम ड्रिल मैन हो, काम करो ना, जमीन के अंदर ड्रिल करके जाओ और स्कूल के अंदर से ड्रिल करते हुए ऊपर निकलो। इससे तो बिल्डिंग टूट जाएगी। कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, बच्चे की जान जरूरी है। अरे फ्रैंकलिन अंकल प्लीज बचाओ, ये मुझे नीचे ढकेलने वाला है। क्या हो गया, फ्रैंकलिन आ गया? अब तो तुम ढकेले जाओगे। अरे प्लीज ऐसा मत करो। अरे अरे वो तो ढकेल रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। ओके मैं अब बन रहा हूँ एक ड्रिल। चलो गाइस, ये चला मैं जमीन के अंदर और जमीन से होते हुए मैं बिल्डिंग को तोड़ के ऊपर जा रहा हूँ। चलो 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 चलो, मैं ऊपर आ गया। शिनचैन लेफ्ट साइड भाग। अरे क्या कहा फ्रैंकलिन अंकल, ओके भाग रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, नीचे गिर गया, आउच, चोट लग गई। अरे लेकिन मेरे को कुछ कैसे नहीं हुआ, मैं सुपर हीरो हूँ क्या? अरे नहीं, मैंने तो पांच पांच चड्डी पहन ली है, इसलिए मेरे को चोट ही नहीं लगी। अबे यार पांच पांच कपड़े पहनेगा, ऊपर से गिरने के बाद चोट कैसे लगेगी बेवकूफ को? कोई बात नहीं, तू तो गया बच्चू। ये क्या कर रहे हो, आउच आउच। तुझे क्या लगा तू शिनचैन को ऐसे किडनैप करेगा, मेरे खिलाफ यूज करेगा? ये ले। नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये हमारे बॉस प्लेन हेड का प्लान था। ये प्लेन हेड कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन तेरा तो आज नामो निशान मिटा दूंगा। अब समझा ड्रिल मैन कितना ताकतवर है। अरे माफ कर दो, माफ कर दो, ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुझे। इधर आ, निकल अपने प्लेन हेड बॉस के पास। गाइस बच गया। चलो चलो देखता हूँ शिनचैन ठीक तो है या नहीं। ओ तुम आ गए, तुम तो बहुत स्ट्रांग लगते हो। और हाँ, इसके ऊपर एक इनाम लगा गया था जो था $5,00,000। ये रहे तुम्हारे $5,00,000। और शिनचैन कहाँ पे चला गया? उसे हम लोगों ने घर भेज दिया है। शुक्रिया ऑफिसर। अच्छा है वो घर पे चला गया, नहीं तो यार मेरा दिमाग चाट लेता। कोई बात नहीं, अब यहाँ से चलते है, कोई देख नहीं रहा। ये खोला मैंने ऑनलाइन स्टोर और $5,00,000 का सूट परचेज। ओ तेरे की, अब ये क्या यार, बहुत ही अजीबोगरीब ड्रिल मैन बन गया हूँ। कोई बात नहीं, अब यहाँ से चलते है, मेरे को ये गाड़ी बहुत सूट करेगी ना, मेरे सूट को। कोई बात नहीं, ये जिसकी भी गाड़ी है हमेशा की तरह मैं उसको वापस नहीं देने वाला। आज दिन भर भाई इसकी बीडीबी टॉयलेट से मेरा दिमाग खराब कर दिया है, बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर वो प्लेन हेड की बीडीबी टॉयलेट मिल गया ना तो मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगा। अब क्या करूँ, कहाँ पे चले जाऊँ और कोई मुसीबत ना आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये किसका कॉल आ रहा है? वेट, ये तो अननोन नंबर लग रहा है। फ्रैंकलिन मैं हूँ।
प्लेनेट्स के बड़े टॉयलेट, तुमने मेरे सारे सिपाही को मार दिया। अब मैं तुमसे आमने सामने मिलना चाहता हूँ, आ जाओ, मैंने लोकेशन भेज दी है। मैं भी तो यही चाहता था, कब से तुम मुझे चोरी छुपे मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं खुद आ रहा हूँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरा फोन कट कर दिया, अब तो पक्का मरेगा ये गाइस, अब बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो लोकेशन तो यही की दिखा रही है, लेट्स गो। ऐसी गाड़ी चलाऊंगा तो वो मुझे मारने से पहले मैं खुद को खुद मार दूंगा। आउच आउच आउच, नहीं 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 नहीं, आउच आउच, लग गई। बाप रे बाप, कोई बात नहीं, पानी से चलेंगे। गाइस हम लोग लोकेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, ये तो मिलिट्री बेस है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, लेकिन कहाँ पे हो सकता है। वेट वेट वेट, ये देखो गाइस, ये तो मेरे सामने है, बहुत घटिया दिख रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसको खत्म करूंगा। तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं हूं नया जीमैन और तुमने सबको हराया, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। वो तो वक्त ही बताएगा, मेरा सूट और ये गाड़ी का सूट दोनों कलर सेम है, तो मतलब आज मेरा लक है और दिवाली का समय है, तो आज तुम्हें फोड़ के मैं आराम करूंगा क्रैकर्स का। आ जाओ, आ जा आ जा आ जा आ जा। अरे बाप रे बाप, कहाँ पे चला गया? अरे तू हवा में उड़ क्यों रहा है बेवकूफ? ये ले, भाई मेरे पास तो ये जादुई ताकतें हैं। ये क्या, अब बहुत हो गया, तू तो गया। भाई साहब ये मुझे पक्का मार देगा। अरे सामने आ जा, ये ले, इससे नहीं मानेगा, इससे तो हार मान जा। पक्का इससे मरेगा। ओ भाई साहब क्या उड़ाया है, लेकिन हवा में उड़ रहा है यार, जमीन के ऊपर तो लैंड कर। क्या उड़ाया है, अब मैंने उड़ाया इसको। तुम बहुत पागल हो, अब तुम गए। आउच 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 गाइस, इसको मैंने जितने फटके मारे भाई, उसके मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिले हैं, पक्का। ये सारे के सारे $1,000,000 से, $1,000,000 का मैं क्या कर सकता हूँ। अरे गलत निशाना, अरे अरे अरे, ये ले, ओके सही निशाना लगाने दे। बाप रे बाप, एक बार सही निशाना लगाने दे। ओहो लग गया, चलो 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 दूर, ये तो मेरे ऊपर हावी होता जा रहा है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ऐसे ही हरा दोगे? मैंने कब कहा मैं ऐसे ही हराऊंगा तुझे, मैं तुझे हराऊंगा अपनी ताकतों से। ये ले, ये खा। इतनी क्या जल्दी है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अरे यार ये बीबी जिंदा है कैसे? मेरे पास समय है गाइस, वो उठ रहा है। तब तक गाइस हम लोगों ने खोला ये शॉप और फाइनल अपग्रेड। ओ तेरे की, ये क्या इतनी बड़ी ड्रिल, भाई साहब ये तो शार्क ड्रिल है। विदाउट वेस्ट एनी टाइम गाइस, ये मेरे निशाने के ऊपर है। ओ तेरे की, ये क्या बन गया? मैं जो भी हूँ, निशाना लाद दिया है मुँह के अंदर से ड्रिल। ओ लग गया निशाना, यू आर फिनिश। ये क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, आउच आउच, ऊपर से गिर गया। ये क्या नॉर्मल हो गया, मेरा सूट कहाँ पे चला गया? ओ चलो कोई बात नहीं, पावर खत्म हो गई होगी और ऊपर से वो भी खत्म, और हमारा भी आज का दिन अभी तक बचा हुआ है। चलो चलो गाइस, आज क्रैकर्स फोड़ने, लेट्स गो। और आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी ज्वाइन और फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए गाइस बाय बाय और हैप्पी दिवाली।